डॉली, प्रॉपर्टी डीलर तो यही कह रहा था, मेन रोड वाली दुकान वो मुझे किराए पे दिलवा देगा। देखो क्या पता बात बन जाए। भगवान करे राजीव, वो मेन रोड वाली दुकान हमको ही मिले, और उस दुकान के लिए अगर 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी किराया देना पड़े ना तो परवाह मत करना, क्योंकि जो मेन रोड पे बनी दुकानें होती है ना वो बहुत अच्छी चलती हैं। डॉली, हाँ जी भाभी जी। मैं ना करवा चौथ की शॉपिंग करने जा रही हूँ, तू भी साथ चल ले। वो क्या है ना भाभी जी, मैं आपके साथ शॉपिंग पर चल तो देती, लेकिन मेरे पास पहले के काफ़ी नए कपड़े पड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ इस करवा चौथ पे उसी में से कुछ निकाल कर पहन लूंगी। ये क्या बात हुई, तू तो हर बार करवा चौथ पर स्पेशली नई साड़ी खरीदती है, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी खरीदती है, चूड़ियाँ खरीदती है, और इस बार क्या कह रही है, जो रखे हुए उसमें से कुछ पहन लूंगी। बात कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। भाभी जी, सब वक्त वक्त की बात है, पहले हमारा वक्त बहुत अच्छा था तो करवा चौथ पर सब कुछ नया खरीद कर पहनती थी। अभी आपको तो पता ही है, राजीव की 6 महीने पहले चलती चलाई दुकान बंद हो गई थी, अब नई दुकान ढूंढ रहे हैं वो भी किराए पर, पता नहीं नया काम कब तक सेट होगा। तो मुझे तो यही सही लग रहा है कि जितने मैं खर्चे रोक सकूं तो रोक लूं, इसलिए जो पहले का पड़ा है ना वही करवा चौथ पर पहन लूंगी। चल ठीक है डॉली, जैसा तुझे ठीक लगे, चलती हूँ मैं। डॉली, मुझे पता है आप हर करवा चौथ पे सब कुछ नया पहनती हो, ऐसा करो आप जो बच्चों की ट्यूशन की फीस के पैसे रखे हैं ना वो आप खर्च कर लो, मैं ट्यूशन की फीस का अरेंजमेंट कुछ और तरीके से कर दूंगा। राजीव, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, जब हमारा वक्त अच्छा था तो आप कोई कमी थोड़ी ना छोड़ते थे, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इस समय में आपका साथ दूं और आपको समझूं। मेरे पास जो पहले का रखा हुआ है उसी में से पहन लूंगी, जरूरी थोड़ी ना है कि हर करवा चौथ पे कुछ नया लिया जाए। थैंक यू डॉली मुझे समझने के लिए। अरे रेनू, तू वैसे एक बात है, किस्मत तो तेरी जेठानी जैसे, तेरी जेठानी मुझे मार्केट में मिली थी, वो वहाँ जम के शॉपिंग कर रही है और तू यहाँ घर के झाड़ू पोछे में लगी पड़ी है। हाँ रेनू, भाभी मार्केट गई है करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए, उन्होंने मुझे भी कहा था लेकिन मैं नहीं गई। अरे तू रहने दे, तेरी जेठानी ने झूठे मुँह कहा होगा, तेरी जेठानी बड़ी चालाक है, उसे तो पता ही है तेरे हस्बैंड का 6 महीने से काम धंधा नहीं है, जाते जाते झूठे मुंह कह दिया होगा कि चल मेरे साथ मार्केट, उसे नहीं पता अगर तुझे अपने साथ ले जाती है तो उसका खर्चा बढ़ जाता। अरे नहीं नहीं रेनू, जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है, भाभी मेरी बहुत अच्छी है। अरे डॉली, तेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, क्या तुझे दिखाई नहीं देता, अभी तेरी भाभी ने पिछले महीने सोफे लिए, उससे 2 महीने पहले गाड़ी खरीदी है, क्या उन्हें तुम्हारे हालात नहीं पता, फिर भी वो तुम्हारे सामने जानबूझ के सब करती है। मैं सब कुछ समझती हूँ, तेरी भाभी तुझे चिढ़ाने के लिए और तुझे नीचा दिखाने के लिए सब करती है। डॉली, मेरा फर्ज तो तुझे बताने का था, अब तू इस बात को माने या ना माने वो तेरी मर्जी है, हाँ इस बात पर गौर जरूर करियो। आज तो करवा चौथ की शॉपिंग करके मजा ही आ गया, भले ही मार्केट में रश बहुत था पर सारी चीजें मेरी पसंद की मिल गई, और ये नेकलेस देख के तो मेरा मन ही नहीं भर रहा, बस ऐसा मन कर रहा है इसे आज ही पहन लूं। अरे डॉली को तो मैंने कुछ दिखाया ही नहीं, डॉली को बुलाती हूँ। डॉली, डॉली, भाभी बुला रही है। आ रही हूँ भाभी जी। डॉली देख, मैंने करवा चौथ के कितनी सारी शॉपिंग की है, ये नेकलेस देख कितना सुंदर है, और ये चूड़ियाँ। अच्छा ये बता, ये साड़ी का कलर मेरे पे अच्छा लगेगा ना? भाभी जी, ये कोई पूछने की बात है, ये कलर आप पर खूब जमेगा, मुझे तो ये लगता है करवा चौथ पर आप ही आप छाने वाले हैं। मैं भी हर करवा चौथ पर इसी तरीके से शॉपिंग किया करती थी, खूब तैयारियां करा करती थी, पता नहीं भगवान आप किस चीज की परीक्षा ले रहे हो हमारी, अगर हमसे कुछ भूल हो गई है तो अपने बच्चों को माफ करना और हमारे हालात दोबारा से ठीक कर दो भगवान जी, आपसे विनती है। डॉली कहाँ खो गई? वो कहीं नहीं भाभी, मैं ऐसा करती हूँ खाने की तैयारी कर लेती हूँ, आप अपना सामान संभाल लो। अरे जा कहाँ रही है, अपना करवा चौथ का सामान नहीं लेके जाएगी? मेरा करवा चौथ का सामान?
भाभी जी, मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं मंगवाया था। मुझे अच्छे से पता है तूने मुझसे कुछ नहीं मंगवाया, पर तू शायद भूल गई, हर करवा चौथ पर हम दोनों साथ में जाके शॉपिंग करते थे। मैंने तुझे बोला था कि तू मेरे साथ चल, पर तूने मुझे मना कर दिया। पर अच्छा ही है जो तूने मुझे मना कर दिया, क्योंकि तू मेरे साथ जाती तो तू मुझे तेरे लिए कुछ लेने ही नहीं देती। इसीलिए मैं अपनी पसंद से तेरे लिए साड़ी ले आई हूँ, और मैं दुकानदार को बोल के आई हूँ अगर मेरी देवरानी को पसंद नहीं होगी ना तो हम वापस कर देंगे। तू देख ले, तुझे पसंद है ना? क्या भाभी जी, ये साड़ी आप मेरे लिए लेके आए हो? हाँ हाँ, तेरे लिए लाई हूँ। तू इतनी हैरान क्यों हो रही है? अगर तुझे ये कलर नहीं पसंद तो तू ये साड़ी पहन ले, और ये चूड़ी भी मैं तेरे लिए लाई हूँ, ज्वेलरी सेट भी तेरे लिए लाई हूँ। भाभी जी, इसमें पसंद ना पसंद की तो कोई बात ही नहीं है, आप सारी चीजें बहुत अच्छी लेके आए हो, लेकिन आपको क्या जरूरत थी मेरे लिए इतना सब कुछ करने की? अरे जरूरत क्यों नहीं थी, करवा चौथ कोई छोटा त्योहार है क्या? अब तू ही बता, करवा चौथ पर मैं तो नए कपड़े पहन के घूमती और तू पुराने कपड़े, मुझे अच्छा लगता क्या? भाभी जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने मेरे लिए इतना सोचा। सच में मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप जैसी इतनी अच्छी जेठानी मिली, नहीं तो मैंने बहुतों के घरों में देखा है देवरानी जेठानियों को लड़ते हुए, लेकिन आपने मुझे हमेशा छोटी बहन की तरह रखा है और हमेशा सपोर्ट भी किया है। सपोर्ट क्यों ना करूं डॉली, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर मेरी कंडीशन कितनी ख़राब थी और तूने मेरा बड़े अच्छे से ध्यान रखा था। मैं वो तेरा एहसान कभी भुला ही नहीं भूल सकती। माना कि देवा जी का काम अभी अच्छे से नहीं चल रहा, पर कोई बात नहीं, सब दिन एक जैसे नहीं रहते। मेरा तो फर्ज बनता है मैं तुम दोनों की खुशियों का ध्यान रखूँ। थैंक यू भाभी जी, जो आपने हमारी खुशियों के बारे में इतना सोचा। मैं तो बस इतना जानती हूँ, अगर एक देवरानी जेठानी एक दूसरे की खुशियों के बारे में सोचे ना, तो कोई भी घर खराब नहीं हो सकता। चल इन सब बातों को छोड़, हर बार की तरह इस बार का करवा चौथ भी हम देवरानी जेठानी बहुत धूमधाम से मनाएंगे। बिल्कुल भाभी जी।